स्टार्ट। आप देख सकते हो आपके कपड़े पे सिलाई नहीं आ रही है, बिकॉज आपका इवन बॉबिन भी प्रॉपर होता है बट तभी भी ये सिलाई नहीं देती। रीज़न ये होता है आपका जो नीडल होता है एंड नीचे एक बॉबिन का पॉइंट होता है वो मिसमैच हो जाता है, इसके लिए। इवन अब इसे ये ठीक करने के लिए है ना, आपको जो भी प्रोसीजर है इस वीडियो में है। अभी ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हो और ये नीडल, जब ये अलाइन पे होना चाहिए प्रॉपर, यहाँ पे वो नहीं है। आप देख सकते हो वो ये पॉइंट पे आने से वो पहले ही ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से आपकी कपड़े पे सिलाई नहीं हो रही है। आप ये देख सकते हो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये आपको खोलने हैं। आपको जैसे मैंने बताया था ये बॉब, ये जो नीडल होता है वो मिसमैच हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कैसे आप ठीक कर सकते हो, आप ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है एंड इसके नीचे ये है, आपको है ना जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा कट मारना होता है, बिकॉज आपका जो ये स्क्रू है वो नीचे आ पाए और इजीली आप उसे खोल पाए। एक मिनट, इवन आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हो, जो पॉइंटेड होना चाहिए, शार्प एकदम। इवन आप ये देख सकते हो हल्का सा कट है जो इजीली आपका ये वाला जो नट है वो निकल सके, छोटा सा एक कट रहता है ये इस चीज़ को। अब जब भी ये स्क्रू खोलोगे ना तो मेक श्योर कीजिए आप इसे ज़्यादा नहीं खोलना है, बट थोड़ा सा आप ये वाला जो ब्लैक वाला पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे ये टच होना चाहिए, मतलब कि इसमें आप थोड़ा सा खोलते तो क्यों, बिकॉज ये आपका है ना घूमना नहीं चाहिए, तो ये आपका एक पॉइंट पे फिक्स होगा। सिर्फ आपको ये नीडल है जो इससे आप ऊपर नीचे आप अपनी अलाइन ठीक कर सकते हो, नीडल की जो पोजीशन होती है वो, तो मेक श्योर कीजिए जब आप इसे खोल रहे हो तो इसे थोड़ा सा खोलिए और नीचे की तरफ बस इसे हल्का सा टच होना चाहिए। आप देख सकते हो इवन यहाँ पे ये कितना पॉइंट है, इतना इजीली आपका ये फिक्स हो जाएगा। ये आप ऐसे करोगे तो रोटेट होगा,
इवन इससे घुमाने से ये नहीं घूमेगा। ये देखिए आप ये नीडल घुमा रहे हो तो ये फिक्स है। आप ये देख सकते हो आपका जो ये नीडल है आपको ये हैंड व्हील से नीचे करना है बिकॉज़ ये पॉइंट को टच हो। आप ये वाला पॉइंट आपने ऐसे नीचे किया, इसे फिक्स करने के लिए है ना आपका पॉइंट ये वाला पोजीशन होना चाहिए, ये पॉइंट है ना इसमें टच होना चाहिए। जैसे आप है ना निडल सेटिंग कर रहे हो, आपकी जो निडल होनी चाहिए वो एकदम नीचे होनी चाहिए जो आप उसे प्रॉपर वे में ये कर पाओ सेट। आप ये वीडियो में देख सकते हो, इसे सेट करने के लिए है ना आप नीचे टच होके नहीं सेट करना है। इसका एक राइट ये होता है वे, आप देख सकते हो अभी ये जो पॉइंट है निडल का गैप दिख रहा है आपको, ये गैप और ये गैप इतना फर्क होना चाहिए। तो इवन आप मेजर कैसे कर सकते हैं, आपके पास कोई सा भी छोटा सा चीज़ होना चाहिए, आप ऐसे रखिए ये सरफेस को थोड़ा सा गैप छोड़ के ये ऊपर है टिप राइट, और ये आपका जो निडल का है वो हाफ होना चाहिए ये सरफेस के लिए, जहाँ पे आपके लिए प्रॉपर मेजर हो जाएगा जिसमें आपकी सिलाई आने के लिए निडल की और इसकी टाइमिंग मैच होने के लिए ये प्रॉपर ये आपकी सेट हो गई है निडल। आप ये पॉइंट देख रहे हो ये जैसे आपका पूरा फिक्स हो गया है, मेक श्योर कीजिए आप इसे हिलाए नहीं, हिलाने की वजह से आपका फिर से टाइमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसे जस्ट आप एक पकड़ के रखिए जो आपकी वो बॉबिन का जो ये होल्डर है वो हिले ना और आपकी नीडल फिक्स रहे। बाद में आपको ये वाला जो स्क्रू है इसे टाइट करना है फिट, मेक श्योर कीजिए ये आपकी पॉइंट ये बॉबिन होल्डर हिलना नहीं चाहिए। अभी आप देख सकते हो इसका टाइमिंग कैसे फिक्स हो गया है। प्रॉपर अलाइन में आ गया है। अभी ये पॉइंट देखो जो मैंने आपको मेजर बताया था वैसे ही मेजर है, आपका ये फिक्स हो गया है। ये जो धागा है आपका इस पॉइंट से और इसके मिडल से पास होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो ये जो निडल का धागा है वो कैसे पॉइंट में पकड़ता है, ये देखिए इसका मतलब आपका जो बॉबिन का एंड निडल का जो टाइमिंग होता है वो मैच हो गया है। और इसे डालने के लिए आपको ये प्रॉपर एल शेप दिख रहा है आपका, ये लॉक पे होना चाहिए यहाँ पे। ये लॉक करो अंदर करो। एक ये लॉक होता है और एक ये वाला, तो आपका जो बॉबिन होगा वो ऐसे रहेगा जो आप
प्रॉपर वे में लॉक हो पाए। एक मिनट, अब ऐसे चेक कर लीजिए आपका बॉबिन टाइट है या नहीं। इवन लूज है तो आप ये स्क्रू से टाइट कर सकते हो। सही बताओ। हाँ, बॉबिन आपका है ना प्रॉपर 9 नंबर में होना चाहिए। अभी भी नहीं आया तो आप देख सकते हो आपकी सिलाई प्रॉपर नॉर्मल हो गई है।